तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। तो इसमें हम जानेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ये दोनों रियल नंबर का पार्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। रैशनल नंबर p अपॉन q फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल 3/7, 5/2, 9/11, तो ये सब p अपॉन q फॉर्म है। और इसमें आते हैं हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि इसके अपॉन में किसी भी नंबर के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं तो वो p अपॉन q फॉर्म में आ सकता है। तो इसलिए सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल होते हैं। इसके बाद चलते हैं हम प्राइम नंबर्स। तो वे नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। इनका कॉमन फैक्टर एक होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 के फैक्टर करके देखिए आप, 1 × 3, 2 के करिए 1 × 2, तो कॉमन फैक्टर 1। 7, 11 करके देख लिए, 1 × 7, 1 × 11, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। और ये किसी से डिवाइड भी नहीं होते, केवल 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से सेल्फ डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 13 है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, या 13 से 17, 1 से डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर देख लीजिए, वो खुद से ही डिवाइड होगा या 1 से। 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं, तो इसकी स्पेशलिटी क्या होते हैं, खुद से ही डिवाइड होते हैं, दूसरा कोई नंबर इन्हें डिवाइड नहीं करता। अब चलते हैं कोप्राइम नंबर पे। तो ये कोप्राइम नंबर होते हैं, इनका कॉमन फैक्टर भी 1 होता है। फॉर एग्जांपल 2 के फैक्टर कीजिए, 1 × 2, 3 के 1 × 3, तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 1 आया, तो ये कोप्राइम नंबर है। 5, 7 को देख लीजिए, 1 × 5, 7, 1 × 7, तो 1 है कॉमन फैक्टर, तो ये कोप्राइम होते हैं। तो ये कोप्राइम नंबर जब हम क्वेश्चन करते हैं इसको, तो इनफाइनाइट कोप्राइम नंबर होते हैं हमारे पास, तो हम एक नंबर p मान लेते हैं, दूसरा q मान लेते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं इंटीजर्स पे आ जाइए। अब ये नेगेटिव होते होते 0 पे आते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं। -4, -3 इनफाइनाइट से आते हैं और 0 होते हुए पॉजिटिव हो जाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। अब ये सारे किसके डिपार्टमेंट के हुए सारे नंबर, ये रैशनल के डिपार्टमेंट के है, क्योंकि किसी भी नंबर को आप अपॉन में घेर दीजिए वो पी अपॉन क्यू फॉर्म बन जाएगा। जैसे 5/7, 13/17, तो सब पी अपॉन क्यू फॉर्म में बन सकते हैं। और इनके भी अपॉन में, इंटीजर्स के अपॉन में 1 लिख दीजिए, ये भी पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट हो गए। अब आते हैं, ये सब ए पार्ट में लिए गए हैं, अब लेते हैं बी पार्ट में इरेशनल नंबर। ये केवल आप ये समझ सकते हो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के लिए, ये रूट के नंबर होते हैं जो रूट में होते हैं। रूट में हमारे √4 भी होता है, √9 भी होता है, √16 भी होता है, √15 भी होता है, लेकिन ये बाहर आ जाते हैं, इसलिए रैशनल की कैटेगरी में आते हैं, इरेशनल की नहीं। बाकी जो नंबर नहीं आ सकते वो इरेशनल हैं। तो अब देखिए हम कितने टाइप के क्वेश्चन इन पे हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पिछले 15 से 20 साल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इन पे बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं, केवल इन पे ही आए हैं। और अभी 2020 में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया है। तो फर्स्ट पैटर्न है √n टाइप, √2, √3, √5, √7, तो आप एक क्वेश्चन करें तो सारे हो जाएंगे उससे, उसी से ये हो जाएंगे। ये सेकंड पैटर्न है √n टाइप, इसमें एक रूट का नंबर होता है, एक मल्टीप्लाई में विदाउट रूट होता है, तो वो अपॉन में भी हो सकता है और रूट का नंबर भी अपॉन में ले सकते हैं हम, चाहें तो रूट का नंबर भी अपॉन में ले सकते, 5/√3 कर सकते हैं उसे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन, ये डबल टर्म के क्वेश्चन होते हैं, एक रूट की टर्म होती है इसमें, एक विदाउट रूट होता है, 2+√3, 3-√2, 4-√2, 3√5-7 एंड सो ऑन। अब ये डबल टर्म के क्वेश्चन हैं ये भी, लेकिन दोनों टर्म इसमें क्या होती है, रूट में होती है, √2+√3। तो इसी पैटर्न पे बोर्ड में 2020 में ये क्वेश्चन आया है, तो माइनस भी लगा सकते हैं, इनके साथ कोई नंबर भी ले सकते हैं। इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी नंबर जोड़ दें, घटा दें या डिवाइड करें, तब भी वो इरेशनल ही रहता है। तो एंड सोन ये भी चलेंगे। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जो सारे टाइप के क्वेश्चन ऑटोमेटिक करवा देगा हमें। तो स्टूडेंट यहाँ आप ए लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ एक से ही कर सकते हो, तो ये आप बहुत ध्यान से सीखना, इसमें आपको हर चीज के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 के पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट केस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, टू प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, तो √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, ये स्टूडेंट बोर्ड की लैंग्वेज है, आपको अगर बोर्ड में क्वेश्चन करना है तो सेम इसी प्रोसीजर से कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे नंबर और अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। लेट √3 इज ए रैशनल नंबर एंड एज्यूम दैट टू को प्राइम नंबर्स
पी एंड क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट रूट थ्री इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो जो हम को प्राइम नंबर मानते हैं पी क्यू और रूट थ्री, उसको इस टाइप से फॉर्म में हम रखते हैं क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये रैशनल की कंडीशन होती है रैशनल नंबर की। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई थ्री में कर देते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे अब देखते हैं पी स्क्वायर के दोनों ये फैक्टर आ चुके हैं, तो इससे पहले एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। देखिए टेन स्क्वायर इक्वल टू फाइव इंटू ट्वेंटी, तो टेन स्क्वायर ये है हमारा हंड्रेड, फाइव इंटू ट्वेंटी हंड्रेड होता है। तो सपोज कीजिए ये हंड्रेड के दोनों फैक्टर हैं, फैक्टर आ गए यहाँ पे। सपोज कीजिए हम 20 अननोन नंबर है, जैसे कि हमारा क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर इक्वल टू थ्री इंटू क्यू स्क्वायर है, तो ये हम अननोन मान लेते हैं, जैसे कि क्यू स्क्वायर आ गया है वहाँ पे। तो हम देखते क्या है, फाइव डिवाइड कर रहा है टेन के स्क्वायर को, तो फाइव डिवाइड करेगा टेन को भी, तो यही कंडीशन हमें लिखनी है वहाँ पे। तो ये नॉन फैक्टर हमारा फाइव है, तो हम क्या कहेंगे, फाइव डिवाइड टेन स्क्वायर, फाइव ऑल्सो डिवाइड टेन, तो ये ट्रिक्स हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए आइए वापिस, तो चलिए तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, थ्री डिवाइड पी स्क्वायर, थ्री डिवाइड पी स्क्वायर, थ्री ऑल्सो डिवाइड पी, ये इम्प्लाइज दैट का साइन है, ये इम्प्लाइज कर रही है बात, थ्री डिवाइड पी स्क्वायर, थ्री ऑल्सो डिवाइड पी, इक्वेशन फर्स्ट, और इसे विशेष रूप से इक्वेशन ए देते हैं नाम। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे थ्री डिवाइड्स पी आ गया हमारे पे, ये पी इक्वल टू थ्री लेते हैं, अगर रूट टू का क्वेश्चन है तो यहाँ पे टू आएगा, रूट फाइव का क्वेश्चन था तो रूट फाइव आएगा, रूट सेवन का क्वेश्चन था तो रूट सेवन आएगा, तो आप यहीं से ले सकते हैं, लेट कर सकते हैं, पी इक्वल टू थ्री एम, रूट टू का क्वेश्चन आता टू होता, पी इक्वल टू टू एम, फाइव का होता तो पी इक्वल टू फाइव एम, सेवन होता तो पी इक्वल टू सेवन एम, तो यहाँ पे हमारा थ्री का क्वेश्चन है ये रूट थ्री का, तो थ्री आएगा यहाँ, तो लेट पी इक्वल टू थ्री एम ले लेते हैं, और उसके साथ क्या निकालते हैं इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू नाइन एम स्क्वायर। ये पी स्क्वायर क्यों निकालते हैं हम, ताकि इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर सकें, तो थ्री पी इक्वल टू थ्री मानते हैं और उसके साथ एक कॉन्स्टेंट नंबर लेके चलते हैं, तो पी स्क्वायर हो गया नाइन एम स्क्वायर, इस पी स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नाइन एम स्क्वायर इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन ए, नाइन एम स्क्वायर इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर, और थ्री से इसको डिवाइड करेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल टू थ्री एम स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम कंडीशन हमारी यही आ गई है, अब बिल्कुल यही कंडीशन ये सेम है, तो थ्री डिवाइड क्यू स्क्वायर, थ्री ऑल्सो डिवाइड क्यू, क्योंकि यहां पर वही था थ्री डिवाइड पी स्क्वायर, तो यहां पर थ्री डिवाइड क्यू स्क्वायर बनेगा, थ्री ऑल्सो डिवाइड पी, तो थ्री ऑल्सो डिवाइड क्यू, तो ये इक्वेशन फिर यहाँ पे दो आ जाती है। तो अब आप क्या देखते हैं, थ्री जो है पी को भी डिवाइड कर रहा है और थ्री क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, अब ये पी और क्यू होते कौन है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार और, पी क्यू होते कौन है, पी क्यू हमारे को प्राइम्स नंबर होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं, इसीलिए हमें उनको नहीं मानते, उनकी जगह फर्स्ट नंबर पी और दूसरा क्यू मान लेते हैं, जिस तरह हम बहुत सारे नंबर हमारे होते हैं नेचुरल नंबर एक्स और वाई मान लेते हैं, तो यहाँ पे पी क्यू मान लेते हैं। तो जैसे कि हमारा थ्री का क्वेश्चन है, तो हम ये ब्रैकेट लें, तो ये पी है ये क्यू है, तो थ्री डिवाइड पी आया, यानी थ्री डिवाइड टू इम्पॉसिबल, थ्री डिवाइड थ्री यहाँ पॉसिबल हो सकता है लेकिन एक इम्पॉसिबल है, तो ऐसा नंबर देख लीजिए जिसमें थ्री ना हो, ये है ये भी है, चलो इसको चेक करते हैं, ये P है ये Q। अब अगर आप P की जगह 13 लें, Q की जगह 17 लेते हैं वहां पे, तो क्या आता, 3 डिवाइड 13 3 डिवाइड 17, अब बताओ ये इम्पॉसिबल है ना, तो यही हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, यानी वोलेशन ऑफ रूल, तो रूल के खिलाफ बात हो जाती है कि 3 जो है इनको को प्राइम नंबर को डिवाइड कैसे कर रहा है, 13 17 को कैसे डिवाइड कर देगा, अगर ये लेंगे 23 29 को कैसे डिवाइड कर देगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है। तो चलिए आते हैं वापस, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्जर्व दैट 3 डिवाइड बोथ पी एंड क्यू, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, एज पी एंड क्यू आर को प्राइम, क्योंकि को प्राइम है ये डिवाइड नहीं हो सकते किसी से, और थ्री इनको डिवाइड कर रहा है, एज पी एंड क्यू आर को प्राइम, हैंस आर एजम्पशन इज रोंग, हमारी एजम्पशन जो हम मान के चले थे पी क्यू को प्राइम नंबर है वो रोंग साबित हो जाती है, देयर फोर रूट थ्री इज इरेशनल, इसलिए रूट थ्री इरेशनल ही है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम सीधा सा आपको दे सकते हैं, सपोज कीजिए आपने किसी बॉय को कैलकुलेशन में लेते हैं, आपको प्रूफ करना है, किसी बॉय को आपने प्रूफ करना शुरू किया और वो गर्ल्स प्रूफ हो जाता है, गर्ल्स एक लड़की प्रूफ हो जाता है, तो अब ये बताइए क्या वो सही प्रूफ हुआ, क्योंकि वो तो एक बॉयज था,
बॉय था और वो गर्ल प्रूफ हो गया, तो क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम जानते हैं दिस इज बॉय, ही वॉज बॉय, तो ये कंट्राडिक्शन मेथड होता है, यही प्रोसीजर यहाँ पे भी चलते हैं। तो आप इससे आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपके। तो अगला क्वेश्चन सेकेंड टाइप का देखते हैं। टू प्रूव टू रूट थ्री इज इरेशनल, तो चलिए इसको करते हैं, लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहेगी बिल्कुल आपकी। लेट टू रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर एंड एज्यूम दैट टू को प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट टू रूट थ्री इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे हम वहाँ स्क्वायरिंग कर रहे थे, यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं करनी, आपको यहाँ रूट को सेपरेट करना है। तो कौन है इसके साथ, टू, टू को हटा दीजिए, ये आ गया क्यू के पास। तो अब क्या देखते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म बन गई है। पी अपॉन क्यू फॉर्म रैशनल फॉर्म होती है, हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। सिंस पी अपॉन टू क्यू इज रैशनल एंड सो रूट थ्री इज ऑल्सो रैशनल, बट ये तो इरेशनल नंबर है, फिर यहां गलत प्रूफ आ जाता है, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, गलत प्रूफ, क्योंकि रैशनल है तो ये भी रैशनल होनी चाहिए, लेकिन यू साइड तो इरेशनल है, तो इसी को कहते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस आर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयर फोर अपना क्वेश्चन यहाँ पे उतार देते हैं, देयर फोर हम मान लेते हैं कि टू रूट थ्री इरेशनल ही है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है, रॉन्ग प्रूफ हो जाता है इसमें। तो इस पर और क्वेश्चन आप कर सकते हैं किस टाइप के, देख लीजिए, अगर टू अपॉन में आ जाए तो क्या करना है, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, टू पी अपॉन क्यू, वहाँ पे टू कहाँ था, ऊपर था, टू रूट थ्री तो नीचे आ गया था, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा यहाँ से ये। तो फिर सिंस टू पी अपॉन क्यू रैशनल एंड सो रूट थ्री ऑल्सो रैशनल, फिर वही लैंग्वेज आ जाएगी। अगर इस टाइप का आ जाए, रूट अपॉन में आ जाए, तो इसे आप रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज रूट फाइव से, जो सा रूट अपॉन में होता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे रैशनलाइज करना कहते हैं, रैशनलाइज करना। तो ये रैशनलाइज हो गया है हमारे पे, थ्री रूट फाइव अपॉन फाइव। अब क्या करते हैं, रूट को फिर सेपरेट करते हैं, यहाँ पे फाइव ऊपर और थ्री इधर, तो हमारा रूट सेपरेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये लैंग्वेज फिर पी अपॉन क्यू फॉर्म है, सिंस फाइव पी अपॉन थ्री क्यू इज रैशनल एंड सो रूट फाइव इज ऑल्सो रैशनल, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस ऑल एजम्पशन इज रॉन्ग, देयर फॉर जो हमारा क्वेश्चन होता है, क्या है क्वेश्चन हमारा, थ्री अपॉन रूट फाइव इज इरेशनल, तो क्वेश्चन ही हमारा देयर फॉर के साथ वो उतार देते हैं। तो चलिए अब थर्ड पैटर्न पे देखते हैं, ये हमारा थर्ड पैटर्न है, टू प्रूव थ्री प्लस रूट फाइव इज इरेशनल, अब इसे इरेशनल प्रूव करना है, सेम लैंग्वेज, लेट थ्री प्लस रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर एंड एज्यूम दैट, ये दैट कर लेना है यहां पे, एज्यूम दैट टू को प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट, फिर ये पी अपॉन क्यू के बराबर रख देंगे, सेम प्रोसीजर। अब हम फिर यहाँ रूट को सेपरेट करेंगे, तीन हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, ये इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, पी माइनस थ्री क्यू, ये क्यू की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, थ्री क्यू बन जाएगा, पी माइनस थ्री क्यू अपॉन क्यू, ये हमारा एलसीएम आ जाता है। अब हम देखते हैं पी अपॉन, टोटल मिला के पी अपॉन क्यू फॉर्म है, कोई रूट में नहीं है इसमें, पी अपॉन क्यू रैशनल फॉर्म है, तो ये हमारा रैशनल फॉर्म आ गई है। सिंस p माइनस थ्री क्यू अपॉन क्यू इज रैशनल एंड सो रूट फाइव इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, बट फिर यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो इरेशनल है, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयर फोर अपना क्वेश्चन यहाँ पे आप थ्री प्लस रूट फाइव इज इरेशनल उतार सकते हैं, मान सकते हैं ये इरेशनल ही रहेगा, क्योंकि हम रॉन्ग प्रूव कर चुके हैं। तो इस पे आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं देख लीजिए, देखिए वहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया है रूट पे, तो रूट हमारा पॉजिटिव टर्म में होना चाहिए, तो इसे हम पॉजिटिव कर लेते हैं, इस साइड राइट साइड ले आते हैं, और पी अपॉन क्यू को लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जो टर्म इधर बननी थी इधर बन जाएगी, ये बन गई यहाँ पे, तो फिर पी अपॉन क्यू फॉर्म आ गई टोटल मिला के ये। तो सिंस थ्री पी थ्री क्यू माइनस पी अपॉन क्यू इज रैशनल एंड सो रूट फाइव इज ऑल्सो रैशनल, फिर वही सेम लैंग्वेज आप वहाँ चला दोगे जो हमारी नीचे आ रही है, तो ये आ जाएगा, सीधा करके लिख सकते हैं। सेकंड केस में क्या आ सकता है कि कोई रूट के साथ नंबर भी आ सकता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, रूट तीन को, ये तीन को आप इधर ले जाओ, ये फिर एलसीएम ले लोगे आप यहाँ पे, पी माइनस थ्री क्यू अपॉन क्यू, अब ये बचा दो, नीचे आ जाएगा क्यू के साथ, फिर ये टोटल मिला के रेशनल बन गया है, रेशनल। तो फिर लैंग्वेज, सिंस पी माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू इज रेशनल एंड सो रूट फाइव इज ऑल्सो रेशनल, हैंस और एजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि ये रैशनल है, ये इरेशनल नंबर हो रहा है, हैंस
दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयर फोर जो हमारा क्वेश्चन था वो उतार देते हैं, क्या था ये 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब देखते हैं यहाँ पे अगर माइनस आ जाए, ये माइनस फिर नेगेटिव टर्म आ गई तो इसे पॉजिटिव कर लेते हैं, पी अपॉन क्यू इधर। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम ले लिया, उसके बाद ये 2 नीचे ले आते हैं, ये आ गया हमारा। फिर लिखते हैं लैंग्वेज में से, सिंस 3q - p / 2q इज रेशनल एंड सो √5 इज ऑल्सो रेशनल। तो किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका पैटर्न रहेगा करने का। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पैटर्न। देखिए एक चीज और इसमें नोट कर लीजिए, जो थर्ड पैटर्न के क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, इफ √3 इरेशनल इज इरेशनल देन प्रूव दैट 2 - √3 इज ऑल्सो इरेशनल। तो हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है इस टर्म को, क्योंकि √3 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं इरेशनल में कुछ भी जोड़ें, कुछ भी ऐड करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें और किसी से भी डिवाइड करें, वो इरेशनल ही रहता है। ऐसे आ सकता है, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल इफ √3 इज इरेशनल। अगर √3 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। तो प्रूव, जिस पे प्रूव लिखा है वो प्रूफ करना है हमें, प्रूफ किसको करना है, इसको करना है। यहां प्रूफ किसके साथ है, इसके, तो ये प्रूफ होगा। और ये हमारे सिंपल पैटर्न आ ही रहे थे, प्रूव दैट 2 + √5 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट समझ गए, बोर्ड में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको करके, ऐसे भी, इफ √3 इरेशनल है देन प्रूव दैट 2 - √3 इज ऑल्सो इरेशनल। तो आपको ध्यान रखना है, जो इस पे प्रूफ आ रहा है, जिसको प्रूफ करना है उसी को प्रूफ करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप √3 को इरेशनल प्रूफ करने लग जाओ। यहाँ पे किसको करना है, इसको प्रूफ करना है, इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि √3 इरेशनल है, प्रूफ इसी को करना है। तो चलिए पैटर्न नंबर 4 पे आते हैं। अब ये है हमारा पैटर्न नंबर 4, टू प्रूव √3 + √5 इज इरेशनल। तो इसको इरेशनल प्रूफ करना है, डबल टर्म का क्वेश्चन है। डबल और सिंगल टर्म के लिए हमें पता है कि जब तक प्लस माइनस बीच में ना आए तब तक डबल और ट्रिपल टर्म नहीं होती। इसमें प्लस बीच में है तो डबल टर्म है। कोई भी नंबर 2p, q, r, s ये सब सिंगल टर्म है, 2p, q, r, s + q ये डबल हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, टू प्रूव √3 + √5 इज इरेशनल। तो प्रूफ, लेट √3 + √5 इज ए रेशनल नंबर ए। तो इसे हम रेशनल नंबर ए मान लेते हैं, इसमें लैंग्वेज छोटी हो जाती है। तो ए बराबर हो गया हमारा √3 + √5। अब स्क्वायरिंग करते हैं इस बोथ साइड दोनों, तो हमारा स्क्वायरिंग करके आ गया ए स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये √3 का स्क्वायर 3 √5 का स्क्वायर 5, और प्लस 2ab आएगा, 2 ये रहा, और ए बी की मल्टीप्लाई कर दो, रूट रूट की मल्टीप्लाई करनी है, 2 के साथ नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि 2 विदाउट रूट है। तो विदाउट रूट जो नंबर होते हैं विदाउट रूट मल्टीप्लाई करते हैं, और रूट वाले के साथ। तो यहाँ 5 / 3 = 8 + 2√15, ये हमारा पैटर्न थर्ड के टाइप का बन गया है। अब फिर रूट को सेपरेट करो, 8 हटाओ यहाँ से, ये ए स्क्वायर की तरफ चला गया। अब 2 को हटाना है यहाँ से, ये अपॉन में आ जाएगा, ये आ गया इसके अपॉन में यहाँ पे, तो √15 बचा हमारा। अब ये फिर हमारा, क्योंकि ए रेशनल था, ये सारा भी रेशनल होगा। सीन्स a² - 8/2 इज रेशनल एंड सो √15 इज ऑल्सो रेशनल, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ए रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, ये रेशनल रूट में है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयर फोर √3 + √5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे आप और क्वेश्चन भी देख सकते हैं इसके। सपोज कीजिए ये आ गया है आपके पास, तो हमने रेशनल नंबर ए के बराबर मानना है इसको। अब इस स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायरिंग हो गई, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग होल स्क्वायर करेंगे, 3 × 3 = 9, और इसका स्क्वायर हो गया 2 बनेगा, 9 × 2 = 18, 4 × 4 = + आएगा बीच में, a² + b² 4 × 4 = 16, 16 और ये 5 हो जाएगा, 16 × 5 = 80। अब चलते हैं हम -2ab बनाते हैं, a² + b² - 2b, माइनस पहले विदाउट रूट की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4 = 12, और 12 करेगा 2 से मल्टीप्लाई, 24 हो जाएगा, क्योंकि 2ab है, तो a और b में हम 3 और 4 की मल्टीप्लाई ली, और इससे 2 से मल्टीप्लाई, 3 × 4 = 12, 2 = 14, 24, और अब रूट की करते हैं, 2 × 5 = 10, तो ये आ गया हमारा, इसे ऐड करें 98। अब हम देखते हैं रूट की टर्म नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं इस साइड ला के, और ए स्क्वायर को नेगेटिव इस साइड आ गया, ये हमारा आ गया है। अब 24 बचा, रूट सेपरेट करना है इसको अपॉन में। अब क्योंकि ए रेशनल है तो पूरी टर्म भी रेशनल होगी, सीन्स 98 - a² इज रेशनल अपॉन 24 इज रेशनल एंड सो √10 इज ऑल्सो रेशनल, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयर फोर हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे,
थ्री रूट टू माइनस फोर रूट फाइव इज इरेशनल। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, इससे एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखें और इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के माध्यम से वो इंक्वायरी कर सकते हैं उसके बारे में। ओके, थैंक यू।